हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। और आज मैं आपके साथ ये गॉर्जियस मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसमें अलग आई मेकअप करने की कोशिश की है। एंड मेरे हेयर को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रीग्रोथ हो रहा है, तो वो वैसे ही हो रहे हैं। एवरी डे स्ट्रेट करना अच्छा नहीं होता इस हेयर के लिए। सो सबसे पहला स्टेप आप जानते हो ना, क्या करती हूँ मैं, अपने आईब्रोज को ड्रॉ। तो यहाँ पर मैं सेम वेट एंड वाइल्ड की सिंगल पीस आई शेडो होती है ब्लैक में, वो यूज़ कर रही हूँ। एंड बस ये तो आप ले ही लो, 110-120 में ये आपको मिल जाते हैं, और इससे बड़ा ही मस्त आईब्रो ड्रॉ होता है। और यहाँ पर आईब्रो को शार्प कर रही हूँ NYBA के कंसीलर से, जो कि अफोर्डेबल के साथ बहुत अच्छी वाली भी कंसीलर है। एंड आपको मैं जूम करके मेकअप दिखाऊंगी, और आप देखना कि मेकअप कितना फ्लॉलेस और कितना मस्त बैठा हुआ है। सो यहाँ पर मैं एज अ आई बेस भी मैं सेम कंसीलर को ही मैंने यूज़ किया है NYBA का ब्रश की हेल्प से। और यहाँ फेस में मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर से पहले मैंने मॉइस्चराइज़र CTM कर रखा था, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र कर रखा था। और अब मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरे फेस को और आईज़ को थोड़ा, फेस को तो नहीं बट आईज़ को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। मतलब मेरी आईज़ को देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हाँ, मैं 2-3 दिनों से सोई नहीं थी सही से, तो इसलिए मेरी आंखें जो है थोड़ी आंखों में पफिनेस आ गई है। तो ऑरेंज करेक्टर मैं यहाँ पर अप्लाई की हूँ। उसके बाद मैं NYBA का ही अपने स्किन शेड का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मतलब स्किन शेड से ये वन शेड लाइट ही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, शेड वगैरह सब एंड सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, सारे के लिंक दे रखे हैं और यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर के ऊपर मैंने सेम कंसीलर को अप्लाई किया है, जो कि मैंने दिखाया स्किन कलर से लाइट था। और यहाँ पर मैं आज कलर पर का ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसे यूज़ करने के बाद इतना अच्छा फाउंडेशन है ना ये, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो मैंने इसी वीडियो में ट्राई करा हुआ है, तो यह बहुत अच्छा मेकअप लुक बैठा था एंड लॉन्ग लास्टिंग भी था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ही मैंने लिया था, और यहाँ पर मैं फेस में ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एंड देन ब्रश की हेल्प से। अब ठीक है ना, क्योंकि मेरे ब्रश बोलने से काफ़ी लोग हंसते हैं, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। वैसे मैं बोल लेती हूँ, हड़बड़ी में उतना ठीक से नहीं बोल पाती हूँ। वेट एंड वाइल्ड का मैं यहाँ पर एज अ हाइलाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। शेड वगैरह फिर से मैं बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना मत भूलिएगा। और मेकअप लुक कैसा हुआ है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। एंड ड्रेस से मैच करता हुआ आई मेकअप मैंने क्रिएट किया था, और मतलब किस तरीके से मैंने मैच किया था आप देखना। ब्लू एंड सी ग्रीन को मिक्स करके मैंने अपने ड्रेस का कलर बनाया था आई शेडो से, मतलब आई शेडो में। और यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे टैप टैप कर रही हूँ, आप देख सकते हो पफिनेस है मेरी आईज़ में। तो या इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पर अब मैं कलर बार का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा हाई कवरेज मेकअप के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पफिनेस थी आईज़ में, तो मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए था, फेस में भी चाहिए था एंड आईज़ में भी चाहिए था। तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी मैं बेकिंग को हमेशा दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो कॉम्पैक्ट से दिखा देती हूँ। और नेक को एंड अपने कानों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई किया था पहले, एकदम लाइट ऑरेंज बोल सकते हो आप, या फिर ऑरेंज एंड येलो का मिक्सर आप बोल सकते हो, मिक्सचर आप बोल सकते हो। तो उसे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आई लीड में। मुझे कमेंट आते थे कि आप थोड़ा अलग आई मेकअप करिए, तो या मैं अलग आई मेकअप ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रीज लाइन में मैं किस तरीके से ऑरेंज येलो मैंगो टाइप का था वो अप्लाई किया, एंड देन हल्का सा उसके ऊपर रेड कलर, एंड अब मैं ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड आई शेडो आप रिवॉल्यूशन का ले लो, ठीक है, रिवॉल्यूशन का ही मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ आप देख रहे हो कि ये अभी मैंने ब्लू अप्लाई किया। इसके बाद मैं सी ग्रीन अप्लाई करूँगी, जो कि दोनों मिक्स होकर मेरे ड्रेस के कलर में आ जाएगा। तो पहले मैं हमें ब्लू कलर पिक करना है एंड अच्छे से ब्लेंड करना है। आई शेडो हो या मेकअप हो, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा लगता है। तो अब मैंने ग्रीन पिक किया है, और अब मैं ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ। और शायद आपको इसको समझ ना आती हो, इसलिए मैं बताते जा रही हूँ। एंड कुछ प्रोडक्ट अगर मैं मिस हो गई होगी मुझसे, तो मैं वो भी मैं बता दूँगी आपको यहाँ पर। और अब मैं वेट एंड वाइल्ड का ही कंसीलर ले रही हूँ, और आप देख सकते हो मैं
किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आप इसे स्पॉटलाइट आई शेडो यू नो बोल सकते हो, मतलब ये स्टाइल को स्पॉटलाइट बोल सकते हो, उसी तरीके से मैंने इसे किया है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, यू नो कोई शेप नहीं दे रही हूँ, जस्ट अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं कॉम्पैक्ट से यहाँ पर सेट कर रही हूँ, क्योंकि कॉम्पैक्ट से सेट नहीं करोगे तो फिर क्रीज में पड़ेगी और मेकअप आई शेडो ख़राब हो जाएगी। नाउ यहाँ पर मैंने ब्लू कलर पिक किया है और दोनों कॉर्नर में सिर्फ मैं ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। टैप टैप करके कैसे अप्लाई कर रही हूँ आपको दिख ही रहा है, यू नो रब करके आपको ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ रखना है आपको। इसके ऊपर मैं सी ग्रीन दे रही हूँ, सी ग्रीन देने से आप देख सकते हो कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो कलर अपने ऊपर डिपेंड करता है, जिन लोगों को पेंटिंग वगैरह आती है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, मेकअप बहुत ईजी हो जाता है। एंड नाउ अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर लाइट पिंक शिमर अप्लाई कर रही हूँ। शिमर अब बोलने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है ये, आप देख सकते हो। एंड अब मैं इसे फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से अप्लाई करना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे शाइन कर रहा है, एकदम लाइट पिंक मैंने लिया हुआ था। और फिर से मैं हल्का सा एक लाइन नहीं दिखनी चाहिए ना, तो यहाँ पर हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे एक लाइन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन एक ऐसा दिखना चाहिए कि कुछ रखा है, क्योंकि ये स्पॉटलाइट टाइप का ही है। और यहाँ पर मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, हिलेरी रोडा का सिल्वर कलर लाइनर, ग्लिटर लाइनर। और अब मैं एवॉन की लाइनर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एवॉन की लाइनर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्टेक वर्की की जो लाइनर थी वो मेरी सूजी सैंडी आई में मेरी जो पपी है उसने ही खेलते खेलते कहीं पर शायद गिरा उरा दिया, मिल नहीं रहा है। और एक मेरे पास तो वो दो या तीन हैं और एक ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एवॉन के लाइनर यूज़ की हूँ। और अब मैं लोअर लैश लाइन में ब्लू कलर, सेम ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। उसके ऊपर फिर से सी ग्रीन अप्लाई करूँगी। और इस तरीके से आई शेडो अप्लाई करना बहुत मुझे पसंद है। और ऐसे आई शेडो आप स्मॉल आइज़ में हो या बिग आइज़ में हो, आपके आइज़ जैसे भी हो, आप इस तरीके से आई मेकअप कर सकते हो ना। अब क्रीज लाइन को थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट रेड कलर क्रीज लाइन में, आप देख रहे हो कैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसे यूज़ करने के बाद ऊपर का मेरा सारा कंप्लीट हो गया है लिड का काम। अब मैं लोअर लैश लाइन में जेल लाइनर लगा रही हूँ। जेल लाइनर में यहाँ पर मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ और मेबलिन का ही बहुत अच्छा प्रोफेशनल भी होता है, मेबलिन का आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में क्या मैं हर वीडियो में वैसे वन आई का ही मेकअप दिखाती हूँ क्या, दूसरे आई में भी करना और फिर टाइम वेस्ट करना, वीडियो लंबी करना फालतू का है ना। तो मैं एक आँख का ही दिखाती हूँ किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, हल्के हल्के करके आप देख सकते हो। हड़बड़ी आपको नहीं करनी वरना बिगड़ सकती है। और एक स्पंज रखकर मैं एले गर्ल का वाइट काजल लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप हाथ रखोगे तो आपका मेकअप अभी सेट नहीं है तो वो ख़राब हो सकता है। एंड नाउ कॉर्नर में मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, एंड ब्रो बोन में भी हाईलाइटर आपको अप्लाई करनी है, भूलना नहीं है। तो या यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। एंड बस यहाँ पर हो गया है कम्प्लीट, आई लैश मैंने लगा लिया है। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। आई लैश कैसे लगाना है मैं अलग वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर मस्कारा लगा के मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ, आई मीन एक आँख का, और दूसरा आँख का भी मैं कंप्लीट कर लूँगी अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट कैसा है मेकअप का, ज़रूर बताना। अब मैं कंटोर करूँगी अपने फेस को, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का कंटोर किट, जो कि ऑल टाइम मेरी फेवरेट कंटोर किट है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। और आप मेरी वीडियोस फॉलो करोगे ना, आप बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करोगे। एंड मैं तो बोलती हूँ आप लोग जो आप प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, FB पे, व्हाट्सअप पे नहीं, व्हाट्सअप पे नहीं, मैं व्हाट्सअप में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ ना। कंटोर करने के बाद मैं अब ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट, क्योंकि इसमें ब्लशर एंड हाइलाइटर दोनों ही है एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ आपको वो मैं मेकअप सामने करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोग लो तो आपके मनी जो है वेस्ट ना हो, आप सीख लो उसके बाद लो। देन यहाँ पर मैं नोज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा क्या अच्छे खासा हाईलाइट कर रही हूँ। और बस मैं जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा आप एक ही बार में हाईलाइटर ना अप्लाई करो, हल्का हल्का अप्लाई करो, देन आपको कम लगे तब ज़्यादा अप्लाई करो ना। यहाँ पर अब मैं फेसेस की जो है लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फेसेस की लिपस्टिक बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फेसेस की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी सी हाई रेंज है, 750-850 होती है, बट बहुत बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैं फेसेस का ही मेकअप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इस तरीके से ही यूज़ करती हूँ। और ये है फाइनल रिज़ल्ट
वीडियो एंड मेरी मेकअप कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताना। वैसे आप अपने ड्रेस के कलर पर, आपका ड्रेस के कलर पर आपका जो आई मेकअप है वो डिपेंड करता है, तो वो आप देख लेना आप किस कलर के पहन रहे हो। बाय द वे ये ज्वेलरी मैंने मुझे मिला था, वो वाली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ। सो या चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अभी तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।